हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों दोस्तों जो मैं आज क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये 2017 में भी है और 19 में भी आया है। दोस्तों ये कह रहा है डिफाइन द एनालिटिक कंटिन्यूएशंस विद एग्जांपल। दोस्तों पहले तो ये एनालिटिक कंटिन्यूएशंस के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ कैसा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ना एक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, जो एक डोमेन होगा जिसके अंदर वो क्या होना चाहिए, उसमें कंटिन्यूस सॉरी एनालिटिक होना चाहिए एक डोमेन के अंदर। तब दोस्तों हम क्या करते हैं, एक दूसरा फंक्शन लेते हैं जिसके अंदर मान लो हमने ये जेड ले लिया, यानी कि F1 नाम देते हैं इसका, यहाँ पर ये एनालिटिक है। ऐसे ही हम एक और डोमेन लेते हैं जिसमें हमारा फंक्शन सेकेंड वाला क्या होता है, एनालिटिक। यानी कि हम एक नया फंक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो दूसरे डोमेन को D2 है उसमें क्या हो दोस्तों, वो F2 एनालिटिक हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा हमें मिल जाता है कि जिसमें कुछ पार्ट क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, जो कॉमन दोस्तों पार्ट आया है ये पार्ट, इस कॉमन पार्ट में हमारा फंक्शन जो F1Z है और जो हमारे पास F2Z है, अगर दोनों ने रिजल्ट क्या रखे हैं यहाँ पर सेम, इस कॉमन पार्ट में D1 D2 के जो कॉमन पार्ट है जिसका नाम मैं लिखूँगा D12 के अंदर, दोस्तों अगर हमारा क्या मिल जाता है, कॉमन पार्ट्स में फंक्शंस के रिजल्ट सेम हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि सेकंड जो फंक्शन आपने ढूंढा है वो पहले वाले फंक्शंस का एनालिटिक कंटिन्यूएशंस कहलाता है, ठीक है, सेकंड वाला जो होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरीके से डेफिनेशंस को यहाँ डिफाइन करेंगे, ओके, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जिस तरीके से हमने सोचा था कि हम एक फंक्शन हमें सपोज कर लेते हैं, तो हमने क्या काम किया, सपोज कर लिया एक फंक्शन दोस्तों जिसका नाम रखा है हमें F1Z, और हम ये कह देंगे कि ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है, यानी कि इस फंक्शन को दोस्तों हम एनालिटिक लेके चलेंगे, ठीक है। एक डोमेन ले लेंगे कोई सा भी, हमने चलो उसका नाम ले दिया इन द डोमेन D1 डोमेन के अंदर दोस्तों हमने ले लिया इस तरीके से। अब करना क्या होता है, हमें एक फंक्शन ढूंढना होता है दोस्तों, यानी देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, अगर हम एक फंक्शन ऐसे ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन F2Z हम ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। कैसा फंक्शन दोस्तों, जो एनालिटिक होता है किसी दूसरे डोमेन में, यानी कि इन द डोमेन D2 डोमेन में दोस्तों क्या हो जाता है, वो हमारे क्या हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है, अगर हमने ढूंढ लिया और वो ऐसा हो, सच दैट इस तरीके का दोस्तों अगर मिल जाता है कि पहली कंडीशन तो ये हो कि दोनों डोमेन जो होते हैं D1 और D2 जो हैं इनमें कुछ कॉमन हमें मिल जाना चाहिए, पहले कंडीशन तो ये होती है, यानी कि कह सकते हैं इसे कॉमन पार्ट हमारा है ना, दोनों डोमेन का जो है कॉमन पार्ट हमें मिल जाना चाहिए, ये नेसेसरी पार्ट है, ठीक है, ऐसा होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये होती है कि पहला जो फंक्शन है F1Z और दूसरा जो फंक्शन है F2Z, दोनों के रिजल्ट क्या होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए इसी डोमेन के अंदर, यानी कि Z की हर एक वैल्यू जो 1 और 2 डोमेन का कॉमन पार्ट, यानी कि D12 हमने नाम दिया है, इसके अंदर दोनों पार्ट सेम हो जाने चाहिए। अगर इतना हो जाता है दोस्तों, तब हम कहते हैं जो फंक्शन था, यानी कि तब हम क्या कहते हैं, जो फंक्शन है हमारा F2Z जो हमारा फंक्शन है वो कहलाता है दोस्तों एनालिटिक कंटिन्यूएशन कहलाता है दोस्तों वो F1 का, ठीक है। फ्रॉम डोमेन का नाम लिख देते हैं, कौन से डोमेन में D1 से D2 में दोस्तों, इस तरीके से तो यहाँ डेफिनेशन मेरी हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, इसके लिए एग्जाम्पल को निकालना है। तो दोस्तों एग्जाम्पल बड़ा आसान एग्जाम्पल होते हैं, आप कैसे भी एग्जाम्पल पकड़ सकते हैं। यहाँ जो मैं एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ वो इस तरीके से है कि मैंने लेट कर लिया कि F1Z अपने एक सीरीज लिस्ट डिस्कस कर ली दोस्तों, जिसमें N=0 से लेकर इन्फिनिटी है, Z की पावर मेरा क्या है, N है, मैंने ऐसा ले लिया। अब दोस्तों ये एक तो सीरीज़ है और ये एनालिटिक होती है दोस्तों, है ना, ये क्योंकि ये आपकी पावर सीरीज़ है और पावर सीरीज़ क्या होती है, एनालिटिक होती है, एनालिटिक फंक्शन इंक्लूड करती है विद इन द सर्किल, है ना, जो टेलर्स थ्योरम है उसके अंदर हमने इसको हल्का सा डिस्कस में ले जाकर करा है, Z ≡ 1, ठीक है। एक तो हमने अपने फंक्शन ले लिया, अब दोस्तों क्या होता है, दूसरा फंक्शन हमें ना ढूंढना होता है, यानी कि F2Z हमें ढूंढना है, तो हमने F2Z को दोस्तों ढूंढा है और लिखा यहाँ पर 1/(1 - Z) दोस्तों, ये फंक्शन भी मेरा क्या है, एनालिटिक है, लेकिन इसको जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, Z = 1 पर प्रॉब्लम्स है, तो हम कह देंगे ये एनालिटिक तो है फॉर एट ऑल,
पॉइंट, सारे पॉइंट जितने भी जेड के पॉइंट्स होंगे सबके लिए एनालिटिक है, लेकिन दोस्तों में छोड़ना पड़ेगा एक पॉइंट, वो कौन सा, जेड बराबर वन, एक्सेप्ट जेड बराबर वन, वन को छोड़कर ये एनालिटिक है। तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है वो एफ वन जेड और जो फंक्शन है एफ टू जेड, उसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली आप देखना सेम टू सेम आएंगे इन जेड मोड इक्वल टू वन। ठीक है, इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि सर्किल के अंदर अंदर, यानी कि जेड बराबर वन नहीं ले रहे हैं दोस्तों, इन साइड कह रहे हैं हम, सर्किल के अंदर देखना आप रिजल्ट निकालकर दोनों के फंक्शन एफ वन और एफ टू दोनों सेम सेम रिजल्ट देंगे आपको। तो इसलिए कह देते हैं ये हमारा जो फंक्शन एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें एफ टू जो होगा इस कॉल्ड वो कहलाया जाएगा एनालिटिक कंटिन्यूएशन, तो इस तरीके दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल हो गया जो हमने एफ वन जेड को कंसिडर किया। आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।